वाह सुनते हो जी, सुनते हो जी, सुनो सुनो ना, सुनो। हे भगवान, मेरा पूरा होने वाला था, बोल क्या बात है। अच्छा, मैंने आज ये नया सूट पहन रखा, बताओ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, और तू भी बहुत सुंदर लग रही है आज। बस करो ना, तेरी जो सहेली है दीवानी वाली रविता, उसकी शादी में 10 दिन पहले गए थे ना हम? हाँ गए थे। उधर तेरी एक और सहेली थी शिवानी, उसने भी सेम ऐसा ही सूट पहन रखा था। पहन रखा होगा, मुझे क्या पता है। ओह रहने दे, तूने भी उसकी नकल मार के पहन रखा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप वहाँ पर मेरी सहेलियों को ताड़ने गए थे हैं? बताओ तो क्या बात होगी? क्या बात है? तेरी वो सहेली का ना वो सूट सबसे अलग था, इसीलिए मेरी नजर पड़ गई होगी। बस हाँ हाँ, मेरी सहेली का तो सूट सबसे अलग था, वहाँ तो सबका सूट अलग अलग था, सबने अलग अलग सूट पहन रखा था। हाँ बड़ा अलग अलग पहन रखा था। तेरी जो सहेली थी एक अर्पिता, उसने तो लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी सिंपल सी, और तेरी एक और सहेली थी कमोनिका, उसने तो गाउन पहन रखा था, वो भी नीले फूलों का। बता नीले रंग के कोई फूल होते हैं? और जो तेरी एक और सहेली थी चंडीगढ़ वाली, आप वहां पर शादी अटेंड करने गए थे या मेरी सहेली को ताड़ने गए थे? बताओ अब। मैं थोड़ा ताड़ रहा था, वो तो गंदा सा भूटानी मिल गया था। अच्छा, वो सब दिखा रहा था, कहता था कि वो देख लाल साड़ी वाली, वो देख गान वाली कितनी सुंदर लग रही है। भूटानी, 10 दिन हो गए शादी को, आपको मेरी सहेलियों के सभी सूट याद हैं? किसने क्या पहन रखा था? याददाश्त बहुत तेज है आपकी। याददाश्त तो मेरी बहुत तेज है बचपन से, बस कभी घमंड ही नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे, तब मैंने कौन से कलर का सूट पहन रखा था? बताओ बताओ, बोलती बंद होगी अब। ये याददाश्त चली गई है। पड़ता है जब आदमी आत्महत्या करने के लिए जाता है, तो सामने शताब्दी आ रही है या एक्सप्रेस आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? आदमी ने तो बस मरना ही है। एक बात बताऊं, पर कत्ल करते टाइम भी ना फर्क नहीं पड़ता, इस छुरी लेके गला काटो या बेलन से सिर तोड़ो, कत्ल ही तो करना है। I'm done with it.